सब ऐसे ही लेते हैं 250 रुपये। बट द मैटर इज दैट वो ओल्ड एज होम है जीवन संध्या, उन पेरेंट्स से बात करने से लगा कि वो बहुत ही अच्छी तरह उनको रखते हैं और वो बहुत खुश हैं सबके सब। जितनों को भी मैं मिल पाया उन्होंने बताया कि हमें यहाँ घर जैसा ही माहौल है और खाना पीना नाश्ता और जो बेसिक केयर दी जाती है वो जो ओल्ड एज होम देते हैं वो देते हैं उनको और दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद दैट। आई फेल्ट वेरी हैप्पी अबाउट दैट। चलो अच्छा है, कम से कम घर से तो ये लोग अच्छे माहौल में हैं, न झगड़ा है न कुछ है। मैंने एक हस्बैंड वाइफ से बात की जो करीबन 7 साल से ओल्ड एज होम में है और उनकी बेटी भी है, उनका लड़का भी है। उन्होंने क्या वजह थी उनको घर से आना पड़ा यहाँ ओल्ड एज होम में वो बताना मुनासिब नहीं समझा, मैंने भी नहीं पूछा उनको। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि लड़का है, रखने के लिए राजी नहीं है। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप यहाँ खुश हैं ना? तो बोले हाँ बहुत खुश हैं, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। मैं जब वहाँ एंटर हुआ 5 बजे तो उनकी लड़की उनको कुछ खाना देने के लिए आई थी 2 डब्बे के अंदर। थोड़ा फील होता है कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है उनके बीच में। माँ बाप के लिए भी हार्ड है, बच्चों के लिए हार्ड है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन पेरेंट्स दे आर स्टिल मिसिंग देयर चिल्ड्रन। आई थिंक जो भी हो, तब उनसे मिला था, फिर हम अंदर गए और दूसरे 2 लेडीज थे, एक की उम्र थी करीबन 74 ईयर्स और दूसरे लेडीज की आई थिंक 72 या 73 थी। वो करीबन 16 साल से इस जीवन संध्या ओल्ड एज होम में रहते हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी। उन्होंने भी बताया कि बच्चे हैं, रखने को राजी नहीं है, सिर्फ इतना बोला। ना मैंने कुछ बताया, ना मैंने कुछ पूछा, ना उन्होंने कुछ बताया। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं ज़्यादा पूछूंगा तो उनका दुख उभर आएगा, शायद रो भी पड़े, इसलिए मैंने बात को टाल दिया, हाल चाल पूछा। वैसे ही करीबन 6-8 जने बैठे थे, उनसे बात की और उन बातों से ऐसा लगा कि वो सिचुएशन, जो भी सिचुएशन में वो रह रहे हैं अभी, उनसे हैप्पी है, दुखी नहीं है। चलो ठीक है, कोविड के कारण मैं अंदर तो नहीं जा पाया, नहीं शूट कर पाया और उन्होंने मुझे अलाउ भी नहीं किया कि मैं शूट करके उनसे बात करूँ, मतलब कि वीडियोग्राफी करके उनसे बात करूँ। कोई भी हो, बात करके मैं करीबन 20 मिनट बात की उनसे बात, उसके बाद मैं घर चला गया। लेकिन सुबह में जो मैं दूसरे ओल्ड एज होम में गया था, वो भाई ने साफ मना कर दिया मुझे कि आप ओल्ड एज होम में आने के बजाय उन माँ बाप के बच्चों से बात कीजिए और उनके घर पुलिस लेके जाइए। मैंने बोला भाई क्यों, पुलिस लेके क्यों जाऊँ मैं? वो बच्चे क्या मेरी बात सुनेंगे? क्या इंडियन लॉ है हमारे यहाँ कि बच्चे को माँ बाप को, बच्चे बाबा को बाहर नहीं निकाल सकते? वो नहीं सुनने वाले मेरी बात, तो बोलते हैं आप मीडिया के पास जाइए। लेकिन उन्होंने वीडियोग्राफी करने से
या उन पेरेंट्स के साथ बात करने से भी साफ इनकार कर दिया मेरे को। ये लोग कैमरा की से इतने डरते क्यों हैं? अगर आप अच्छा कर रहे हो ना, तो फिर क्या डरना है? सिर्फ बात ही करनी थी और कुछ नहीं करना था। ना मैंने आपकी कोई ओल्ड एज होम की कुछ और पूछा है, ना मुझे कुछ और जानना है। माय इंटेंशन वाज कि भाई माँ बाप और बच्चे का मेल रहे और माँ बाप घर से बाहर न जाए और साथ में रहे। आगे के एपिसोड में मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। अगर किसी ओल्ड एज होम में जाके या मैं शूट करके या वीडियोग्राफी करके बात कर सकता हूँ तो शूट करूँगा। मेरा प्रयत्न रहेगा ऐसा कि मैं उन पेरेंट्सों से बात करूँ जो कैमरे के सामने आए और बात करें। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम जाएंगे दूसरे ओल्ड एज होम में, बात करेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।